डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8 सब्जेक्ट संस्कृत में लेसन 4 सदैव पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम पाठ को पढ़ रहे थे। यानी पिछले वीडियो में हमने इस पाठ को गीत के माध्यम से पढ़ा था। आज फिर मैं आपको इसको गीत के माध्यम से पढ़कर सुना रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुने, आप भी इस गीत को कंठस्थ करें और इसको सह स्वर गाने का प्रयास करें। तो ये जो रचना है श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है, जो कि एक राष्ट्रवादी कवि हैं। अब है, चल चल पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनिवयानम नगरोहणम, बलसवकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। कवि कह रहा है कि चलो आगे कदम बढ़ाओ, यानी चलो कदम आगे रखो, सदा ही आगे अपने चरण बढ़ाओ। यानी अपना जो घर है, जो अपना जो घर है वो शिखर पर्वत पर निवास है। गिरी शिखरे ननु निजिकेतनम, यानी हमें पर्वत के शिखर पर अपना निवास है। विनेव यानम नगारोणम, और हमें बिना यान के ही वहाँ तक चढ़ना होगा, और अपना खुद का बल ही एकमात्र साधन है, इसलिए सदा ही आगे बढ़ते रहो। पति पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्र पश्व परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पतियोदय रास्ते में, अर्थात रास्ते पर विषमोदय असामान्य प्रखर में पत्थर, और हिंसा में हिंसक, पशु में पशक, परितो में चारों ओर, घोरा में भयानक, अर्थात रास्ते पर हमें असामान्य नुकीले पत्थर और भयानक हिंसक पशु चारों ओर घेर सकते हैं, अर्थात चारों ओर घिरे हुए हैं, अर्थात वो हम पर बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, हमारे लक्ष्य के अंदर बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, परंतु हमें इस अत्यंत कठिनतापूर्वक लक्ष्य तक हमें अवश्य ही जाना होगा। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए हमें ऐसा आगे ही बढ़ते रहना होगा। जय ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम। अर्थात कहता है जय ही मिस छोड़ो, यानी भीतिम इस डर को छोड़ो और शक्ति का जाप करो, और विदेही मिश करो राष्ट्र, और अपने राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम देश समरणम, और अपने लक्ष्य का निरंतर स्मरण करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, इसलिए हमें हमेशा ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमें भी अपने आगे बढ़ने के लिए हमें निरंतर पढ़ाई करनी होगी। बिना पढ़ाई के हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो आप भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो निरंतर, यानी दिन रात आप प्रयास कीजिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अब इसके शब्दार्थ देखो, पुरतो है मतलब आगे, निदेही रखो, गिरी शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विनेव बिना ही, नगारोहणम नग प्लस आरोहणम पर्वत पर चढ़ना। विनेव का संधि विषय देखो, विना प्लस एव इसमें वृद्धि संधि है, और नगारोहणम नग प्लस आरोहण पर्वत पर चढ़ना। सवकीयम अपना,
पति मार्ग में, पाषाणा पत्थर, विषमहा ऐसमान्य, प्रखरा तीक्ष्ण या नुकीले, हिंस्रा हिंसक, परितो यानी परित है चारों ओर, परित शब्द के योग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, घोरा भयंकर या भयानक, सुदुष्क्रम अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य, जही छोड़ो या छोड़ दो, भज भजो या जपो, विदेही करो, अनुरक्तिम प्रेम या स्नेह, और सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण। तो ये थे शब्दार्थ इसके। अब इसके आगे इसके अभ्यास प्रश्न, पहला प्रश्न देखो, अभ्यास में पाठे दत्त है, पाठ में दिए गए गीत को सह स्वर गायत है, सह स्वर गायन करो, वो हमने गीत गायन भी किया है, तो आप बच्चों ने भी इस गीत को आपने भी गायन करना है। अब दूसरा प्रश्न है, अधो लिखितानाम प्रश्नाम उत्तराणि एक पदे लिखित है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो, एक पद में छोटे उत्तर हैं ये। सब किम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है, अपना साधन क्या होता है, बलम, इसका आंसर किम की जगह आएगा बलम। पथि के विषमा प्रखरा, रास्ते में असामान्य नुकीले क्या होंगे, रास्ते में ऐस मने नुकीले क्या होंगे, या क्या रास्ते में नुकीले टेढ़े मेढ़े क्या हो सकते हैं, पाषाणा पत्थर, पत्थर नुकीले भी हो सकते हैं टेढ़े में हो सकते हैं, तो पाषाणा। सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए, ध्येय स्मरणम यानी हमें हमें लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते ही निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। सततम किम करणीयम, ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता का, इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इस गीत के रचयिता कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सह कीदृश कवि मन्यते, दूसरे का अर्थ है वह किस प्रकार के कवि माने जाते हैं, राष्ट्रवादी। सह कीदृश कवि मन्यते, राष्ट्रवादी। सबके साधनम किम भवति, बलम। पति के विषम प्रकरा, पाषाणा। सतव किम करणीयम, ध्येय स्मरणम। इतस्य गीतस्य रचयिता कः, श्रीधर भास्कर वर्णेकर है, और सह कीदृश कवि मन्यते, राष्ट्रवादी। अब तीसरा प्रश्न, मंजूषात, मंजूषात में मंजू पेटी में दिए गए क्रियापदों को चुनकर रिक्त स्थान पूरे करो। अब मैं इनके शब्दों को अर्थ बोलता हूँ, निदेही निदेही मिश रखो, विदेही करो, निदेही रखो, विदेही करो, जेही छोड़ो या छोड़ दो, देही दीजिए, बज का जपो या बजो, चल का चलो, कुरुम इस करो। तो इन शब्दों के आधार पर हमने क्रियापद को भरना है। जैसे एग्जांपल दे रखा है, त्वम पुरतः है चरण निदेही, तुम इस त्वम पुरतम इस आगे, चरण इस चरण, निदेश में रखो, तुम आगे चरण रखो, तो आगे निदेही आ गया। इसी प्रकार हमें भरना है, तुम विद्यालय, इसमें से क्या आएगा, चल, तुम विद्यालय चलो, तुम विद्यालय चलो। दूसरा है, राष्ट्रे अनुरक्तिम, राष्ट्र से प्रेम, विदेही करो, निदेही रखो होता है, निदेही तो आ चुका है, इसी प्रकार राष्ट्रे अनुरक्तिम, विदेही यानी राष्ट्र से प्रेम करो। महयम जलम, मुझे दल देही दीजिए, मुझे जल दीजिए। अब मूड है, डैश डैश डैश, धनंगम तृष्णाम, मूर्ख धन धन की लालसा को छोड़ो या पाओ, तो छोड़ने को क्या बोलेंगे, जही। तो मूड जही धनम धनागम तृष्णाम, यानी धन की लालसा को छोड़ो, मूड जही धनम धनागम तृष्णाम। अब है गोविंदम, भज गोविंदम यानी ईश्वर का जाप करो, भज गोविंदम यानी भगवान का जाप करो या जप करो। सततम ध्येय स्मरणम, अब एक बचा है, बाकी सारे आए कुरु बचा है, कुरु मिस करो। सततम ध्येय स्मरणम, निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण कुरु करो, अपने लक्ष्य का स्मरण करो, तो कुरु आएगा, ध्येय सततम ध्येय स्मरणम कुरु। तो प्रिय बच्चों, आज हमने
इस फोर नंबर लेसन के फोर नंबर लेसन को हमने गीत के एक बार फिर वापस गीत के माध्यम से गाया, इसके शब्दार्थ और इसके क्वेश्चन आंसर दूसरा और तीसरा किया। आगे जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।